जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवा आते हैं, जिन्हें हम कमज़ोर पलों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आँखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, अपनी औकात इसी पर तो सब कुछ निर्भर करता है कि हमारी औकात क्या है। इतना खराब लगता है, इतना बुरा लगता है जब कोई हमें भाव नहीं देता, हमें इग्नोर करता है। हम आपको चार ऐसी चीज़ें बताएंगे, आपने अगर इन्हें एक बार सीख लिया तो जो आपको भाव नहीं देते, जो आपको इग्नोर करते हैं, उन सबको पता चल जाएगा कि असल में आप चीज़ क्या हो। किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इग्नोर करते हैं, किसी को अपने दोस्त इग्नोर करते हैं, किसी को अपने घर वाले इग्नोर करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आकर भी मैसेज सीन नहीं करते। आप इतने गए गुजरे नहीं हो, इतने लाचार भी नहीं हो जितना वो लोग आपको समझते हैं। आज हम इन सबको अपनी औकात दिखा देंगे, बस आप एक बार इन चीज़ों को आजमा कर देखो। आज हम जो बात सीखने जा रहे हैं उनको करने से जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वही लोग आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। वो चार चीज़ें हैं वापसी, व्यवहार, धैर्य, सर्वोत्तम जवाब और आखिरी है औकात। इसका मतलब क्या है और यह कैसे काम करता है यह हम समझेंगे। पहला, वापसी व्यवहार। जब कभी कोई आपके साथ गलत करे, आपको इग्नोर करे, और अगर बदले में आप उसके साथ ठीक वैसा ही करोगे तो देखना वह ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे आपने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। वह करे तो सही और आप करो तो गलत। दोस्तों, आखिर यह कहाँ का न्याय है, लेकिन इसी चीज़ को आपको अपनी ताकत बनानी है। आपके साथ जो जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर वह आपके मैसेज का जवाब नहीं देता तो आप भी ऑनलाइन आकर उसके मैसेज का जवाब मत दो। अगर आपके दोस्त आपको इग्नोर करते हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप भी उन पर ध्यान मत दो और अकेले में खुश रहो। एक बार आप ऐसा करके देखो, खुद ब खुद मनचाहा फल पाओगे। आप उन्हें पल दो पल के लिए इग्नोर तो कर दोगे, लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे। आपको सिर्फ दिखावा नहीं करना है, बल्कि सच में उन्हें इग्नोर करना है। थोड़ा सा सब्र रखो, उनका ध्यान आपकी ओर जरूर आएगा, लेकिन गलती से भी गलती मत करना। लगने दो जितना वक्त लगता है, सब्र रखो, उनके तरफ से जरूर रिस्पॉन्स आएगा। बस आप हार मत मानना या मायूस मत होना। तीसरा है सर्वोत्तम जवाब। अगर किसी भी चीज़ का सही जवाब देना सीख गए तो सिर्फ लोगों के नज़रों में ही नहीं, बल्कि उनके दिलो दिमाग में छा जाओगे। जैसा हमने बताया वैसा अगर आप करेंगे तो देखना उनका यही कहना होगा कि यार तुमको यह हो क्या गया है, आजकल तुम थोड़ा बदल गए हो। बस यही चीज़ तो आप चाहते थे ना, कि उनका भी ध्यान हम पर आए। लेकिन इसी समय
सब सच बताकर गलती मत कर देना कि मैं तो तुम्हें इग्नोर कर रहा था ताकि तुम मुझ पर ध्यान दो। यहीं पर तो आपको दिमाग लगाना है उनके किसी भी सवाल का एक सही जवाब देना कि मैं बदल नहीं गया हूँ बल्कि अपने कामों में बिजी हूँ। फिर वह पूछेगा कैसा काम, कहाँ बिजी हूँ, तो तुम कहना कि वक्त आने दो, खुद पता चल जाएगा। चौथा है औकात, जिसके लिए आप हर टाइम अवेलेबल रहोगे वो आपकी कीमत क्या समझेंगे। आपको पता ही नहीं लोगों को गर्मी के दिनों में ठंड के दिन याद आते हैं और ठंड में लोग गर्मी के दिनों को याद करते हैं। कोई आपकी कीमत तभी समझेगा जब आप खुद की कीमत समझ पाओगे और अपने काम में बिजी रहोगे। आज जो आपको भाव नहीं देते कल वह आपके तलवे चाटेंगे अगर आप उनसे आगे बढ़ जाते हो तो। मतलब के सारे रिश्ते हैं यहाँ, इसलिए सामने वाले का अटेंशन पाना चाहते हो तो उसे खुद की ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो। लेकिन आपने सब कुछ करके देख लिया, उसको इग्नोर किया, लेट रिप्लाई किया, भाव खाया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप खुद पर मेहनत करके देखो, उससे आगे बढ़कर देखो। इसी को तो कहते हैं औकात। जब तक लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक वह आपकी कीमत नहीं समझेंगे। करने दो इग्नोर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं और खुद पर मेहनत करना चालू कर दो ताकि कल जब उन्हें आपके बारे में पता चले तो उनके होश उड़ जाएं। वीडियो के आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार इन चार चीज़ों को आजमा कर देखो, देख कर हैरान रह जाओगे, ऐसा परिणाम मिलेगा। इसी तरह के और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आखिर में आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।